तो और मेरे भाई लोग तुम्हारा स्वागत है कदी तबाही दार गेम प्ले वीडियो में। और भैया जी आज किस वाले वीडियो में तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है। तो मेरे भाई आज किस वाले वीडियो में हम करेंगे यूज ओनली स्नाइपर चैलेंज, क्योंकि यार तुम्हें पता ही है ऐसे तो मैं एक चैलेंज एक ही बार करता हूं, लेकिन जिस चैलेंज पे व्यूज जाता है ना उसको दो दो बार भी कर लेना चाहिए। तो आज किस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं यूज ओनली स्नाइपर चैलेंज। और तुम्हारी मतलब जानकारी के लिए पहले बता दूं, स्नाइपर में वो सारी गन्ने आती हैं जैसे कि AWM भाई SKS पकौड़ा लसन और भी बहुत सारी हैं। और भाई मैं AWM चैलेंज की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ स्नाइपर चैलेंज की बात, ठीक है। तो इस वाले गेम प्ले की बात करें तो यहाँ पर उतर रखे हैं और सबसे पहले गन की तलाश करते हैं, वरना भैया बहुत गंदे पी लेंगे। और भाई जब तक गन मिलेगी ना तब तक तुम एक छोटा सा काम कर सकते हो, जल्दी से जाओ लाइक का बटन दबाओ। और आज के वाले वीडियो का लाइक किया मैं 2000 लाइक, क्योंकि भैया मतलब कभी समझ लो यार कठिन चैलेंज है थोड़ा सा। तो यार अब भाई गेम प्ले की बात भी कर लेते हैं। तो गेम प्ले की बात करें तो तुम देख सकते हो कहाँ पे उतर रखे हैं, हम उतर रखे हैं भाई ईस्ट पोर्ट पे और सामने वाले घर पे फायरिंग हुई थी और इन वाले चच्चा की टुकाई हुई थी। तो इनको मैं निपटा लेता हूँ शॉटगन से, क्योंकि भाई हमको चाहिए इनकी मिनी 14, ठीक है। और अब से हो जाएगा ये वाला चैलेंज मतलब शुरू, कंप्लीट तो कहाँ होगा, अभी हम ट्राई करेंगे इस वाले चैलेंज को कंप्लीट करने का। अगर होता है तो सही है, अगर नहीं होता तो दूसरा मैच खेलेंगे भाई। तो यार अब भाई सामने एक साइड में एक बंदा, सामने तो क्या भैया ऊपर में एक बंदा था जिसने कि नीचे वाले को पेल रखा था, तो उसको पेलने मैं आता हूँ। लेकिन चच्चा की मेरे से पता नहीं क्यों फट रही थी, भागे जा रहे हैं। और भाई थोड़ी सी तो भाव दे दो यार, तुम्हें मारने आ रहे हैं, तुम साला भागे जा रहे हो। चलो यार इनको ठोकना पड़ेगा अब जल्दी से। अरे चचा थम लो भाई, फ्री में पतंजलि बीड़ी नहीं बंट रही है भाई, रुक जाओ जरा था। तो इनको तो निपटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर लूटा पार्टी करता हूँ, उसके बाद भाई सामने ठहर में जा रहा होता हूँ और यहाँ से फायरिंग की बात आती है अब। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, बाजू कुछ नहीं आती, सीधा बंदा दिख जाता है। तो चचा पता नहीं कहाँ भगे भगे, अभी इनको जाके निपटाना पड़ेगा भैया। तो फिर यहाँ पे दो बंदे लड़ रहे थे एक दूसरे के, भैया कभी बाल बुल डाले थे, तो इनमें से एक को मैं निपटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका टीममेट बच रहा है अब। तो राहुल भैया तो करते रह गए ताता थैया, लेकिन हमें मार नहीं पाए क्योंकि साले ने पीछे नहीं देखा, तो उसको मैं निपटा लेता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे मिनी 14 के साथ मैंने कर दिया मतलब 4 किल। उसके बाद इसकी यहाँ पे से मैं कार 98 चुराता हूँ और आ जाता हूँ भैया सरकारी डब्बे पे। और भाई यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि भैया कम से कम WWM वगैरह कुछ ना कुछ तो मिलेगी, लेकिन देखते हैं भैया क्या मिलता है। सबसे पहले तो छानबीन कर लेते हैं भैया, वरना मगरमच्छ होगा तो बहुत गंदा काटेगा। तो उसके बाद अब हम डुबकी लगाने वाले हैं गंगा माता में। तो भैया जी एक बार जोर से बोलो सब्सक्राइब करो, और करो भी भाई, बोलना ही नहीं है सिर्फ। और भाई साथ में घंटी आएगी ना उसे भी दबा देना और पे सेलेक्ट कर देना। तो उसके बाद यहाँ पे मैं मस्त तरीके से ड्रॉप लूटने जा रहा था और अब देखना क्या होगा। और भाई गिली गिली चूबाला बंदा दिखता है, तो मैं चुपचाप अपनी मुंड के नीचे कर लेता हूँ। और भाई इन चच्चा ने गिली सूट और पहन रखा था, ऊपर से साला पानी में और गीले हो रहे हैं, तो कतई बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा इनका कपड़ा। तो भाई इसी के साथ मनीष भैया के तो ले लेते हैं हम जान, क्योंकि इन्होंने बहुत कर लिया था स्नान। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लूटने लगता हूँ, तभी देखना क्या होगा। यो देख लो भैया इस पापी संसार में लूटना भी मना है। और भाई ये वाला अगर हेडशॉट तुम्हें पसंद आया जल्दी जाओ सब्सक्राइब तुमने कर रखा है, जल्दी जाओ शेयर वाला बटन दिख रहा है, करो यार शेयर करो अपने किसी दोस्त को। तो उसके बाद इस वाले बंदे के पिछवाड़े पे कात गोली और मारते हैं और फिनिश करते हैं भैया चचा को। तो यार उसके बाद मैं 7 समुद्र पार करके फिर से आता हूँ इस वाले साइड के, क्योंकि अब यहाँ पे अपनी गाड़ी झूठ रखी है। तो उसके बाद यहाँ से मैं मस्त तरीके जा रहा था, तभी दिखता भाई सामने एक बंदा और स्कोप ओपन करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं खुलता साला। और भाई देख लो बंदे बड़ी अजीब अजीब जगह से मार रहे हैं साला, इसीलिए मैं गिली सूट को नहीं पहनता, जब भी पहनता हूँ साला मारा जाता हूँ। तो उसके बाद एक और गेम स्टार्ट करते हैं। और भाई इस वाले गेम पहले मैं तो हमें करना ही हुआ चैलेंज पूरा, तुम बस देखते रहना किस किस तरह से और कैसे कैसे हम भाई इस वाले चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। तो यार सबसे पहले इस वाले गेम प्ले में हमें गन तो ढूंढने पड़ेगी ना, और तब तक गन ढूंढते हैं तब तक एक बात करनी है भाई तुमसे। तो हो मेरे भाई बात कुछ ऐसी है ना कि भैया इंस्टाग्राम में कई लोग मैसेज करके कह रहे हैं कि भाई तू मेरा चैनल प्रमोट कर दे, मैं इतने पैसे दे दूंगा। बोले नहीं भाई मैं नहीं करने वाला किसी का चैनल प्रमोट, और अगर भाई एक का गलती से करता भी हो ना तो भाई 4-5 लोग और कहेंगे कि भाई हमारा भी कर, इसलिए मैं नहीं करने वाला किसी का। तो भैया जी अब कर लेते हैं गेम प्ले की बात। तो गेम प्ले की बात करें, ये लैंडी सी गन क्या बोलते हैं इसको भाई BSS मिल रखी है, और दूसरी हमें SKS भी यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद सामने साइड में एक बॉर्ड आता है, तो मेरे भाई हमारे बड़े दादा बन रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इनको याद दिला देते हैं इनका दादा। तो उसके बाद यहाँ से मैं मस्त तरीके जा रहा था गाड़ी लेने, और तभी तो मैं एक सामने दिखेगा एक चड्डीधारी।
और मेरे भाई चड्डीधारी ने बहुत लंबी जंप मारी, ऐसा लग रहा था साला सेंट्रल रोड ना पहुंच जाए। तो उसके बाद इसको लूटता हूँ, और तुम्हें पीछे एक फ्लेयर गन दिखी गई होगी तो उसको लूटने जाना पड़ेगा भैया। तो मेरे भाई उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ इस फ्लेयर गन पे, और भाई बंदे ने चला रखी है तो बंदा भी तो होगा ना, उसको पेलना पड़ेगा सबसे पहले। और मेरे भाई उसके बाद मैं गाड़ी लेके चुपचाप यहाँ पर आता हूँ क्योंकि बहुत गंदा मारा पीछे से। उसके बाद यहाँ पे उतरता हूँ, मुझे तो लगा बस उतरा तो नीचे गया लेकिन बच जाता हूँ। उसके बाद अब तुम्हें ऊपर दिखेगा बंदा, और भाई चचा आया और लेट गए तो इनको अब निपटाना पड़ेगा। और भाई चचा पता नहीं काहे को बनने थे शक्तिमान, एक गोली की नहीं थी जान। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएंगे और भाई डब्बे को लूटेंगे, क्योंकि तुमने भाई बचपने वाली लोरी तो सुन रखी होगी, कदम कदम बढ़ाया जा फ्री का माल उड़ाया जा। और भाई अगर नहीं सुन रखी होगी ना तो यार कोई ना भाई, तुम्हारा टीचर मेरी तरह नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ से सबसे पहले MK-14 उठा लेते हैं, क्योंकि ये भी तो भैया स्नाइपर में आती है ना। तो यार उसके बाद मैं इस वाले बंदे को भी लूट लेता हूँ। उसके बाद मैं मस्त तरीके जा रहा होता हूँ तभी आती है भैया एक और बंदे की आवाज, मतलब बंदे की नहीं गाड़ी की आवाज। और भाई चचा को तो कतई उतरने ना दिया, कोई ना भाई तुम अगले मैच में उतर लेना, दो दो बार उतर लेना तुम। तो यार उसके बाद मैं एट लास्ट फाइनली यहाँ से निकल जाता हूँ गाड़ी लेके, और भाई जाते जाते एक और बंदा स्वागत के लिए खड़ा है। और भैया जी यो देख लो, कतई फ्री का मॉल कौन नहीं लूटना चाहता, तो इनको बाद में लुटाएंगे, पहले इस वाले बॉट को पे लेते हैं। और भाई से कहते हैं स्कैम, बंदे को लगा कि मैं गाड़ी के पीछे होगा क्योंकि गाड़ी नीचे खड़ रखी है, लेकिन हमने कर दिया यहाँ पे फ्लैंक और ऊपर से जाके इनको मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ तो बच नहीं रहा था, चुपचाप गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। और भाई अभी भी ख़त्म नहीं हुआ बंदे, ये वाला बंदा भी लूटने आया था ड्रॉप। चलो कोई ना भाई, ड्रॉप तो नहीं लूट पाया लेकिन इसको लूट लेंगे। और मेरे भाई इसके बाद तुम्हारा भाई कभी चौड़ में जा रहा था क्योंकि अपने हाथ में पावरफुल गन है। और देख रहे हो भैया कतई MK-14 के सामने और गन लगते लैंड ही एकदम, ठीक है। उस वाले बंदे को निपटा देते हैं, उसके बाद इसका एक्सटेंडेड मैग मूक पैक बुक सब कुछ उठाते हैं और निकल जाता हूँ यहाँ से। और वहाँ से आने के बाद यहाँ से आता हूँ और कतई खतरनाक वाली जंप मारता हूँ, नीचे एक बंदा तो मैं दिख रहा होगा। और मेरे भाई मुझे क्या पता था टीम अप बाला भाई, जब तक मुझे पता लगा और मैंने भाई अपनी फायरिंग भी रोक दी थी लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मर गया। तो चलो कोई ना भाई, मर गए सो मर गए, मैंने पिछले वाले वो क्या बोलते हैं मैच में भैया अपने कतई पाप सारे धो लिए गंगा में डूब गया लगा लगा के। तो उसके बाद यहाँ से मैं चुपचाप गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, और पीछे से वो वाला बंदा फायर भी कर रहा है अभी। और यो वाले चचा कभी गाड़ियों का लेन देन कर रहे थे और इनका लेन देन हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ तो बच नहीं रहा था, चुपचाप इसको लूटता हूँ और निकल जाता हूँ यहाँ से भी। और भैया जी उसके बाद मस्त तरीके जा रहा था और सामने तुम एक बगी दिख रही होगी, इसी का पीछा कर रहा था मैं, और इसने यहाँ पे गुलाटी खाई दी अभी। और भैया जी इसे कहते हैं ओवरडोज, कतई तुम देख सकते हो साला भाई बगी यहाँ पे भाई गुलाटियाँ खानी चाहिए थे जबकि यहाँ पे डासियाँ खा रही है। तो चलो कोई ना, उसके बाद यहाँ से मैं मस्त तरीके जा रहा था, मैं का वो वाला बंदा तो निकल गया, चुपचाप से हम अपना सरकारी डब्बा लूटेंगे। और तुम देख सकते हो सरकारी डब्बे की आजकल बहुत मांग है, इसको भी लूट लिया किसी ने। तो कोई ना भाई, उसके बाद चुपचाप गाड़ी लेके मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। और भैया जी अभी जागते हैं उम्मीद की किरण, किसने WWM से किसी को अभी पेला। और ऊपर तुम्हें बंदा दिख ही रहा होगा, तो इसकी WWM अभी हमको चाहिए। और इन वाले चचा को भी बहुत ज्यादा निपटा लेते हैं क्योंकि अपने पे महाविनाश का एक गन, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। तो चलो कोई ना, उसके बाद इसकी WWM सबसे पहले चुराते हैं और फिर और बंदों को निपटाते हैं। तो WWM का उद्घाटन करने वाले हैं इस वाले बॉट पे। तो इन वाले चचा को निपटाने के बाद मैं आता हूँ भाई सामने साइड में, और यहाँ पे एक और पेटी दिखती है मुझे, यो देख लो ये वो पेटी, इससे मुझे बहुत सारी WWM की एमओ मिल जाएगी, और तभी तुम्हें गाड़ी की आवाज़ आ ही रहेगी। और अभी तुम्हें बंदा भी दिखने वाला है गिली गिली वाला। और मेरे भाई मुझे लगा निशाना लग जाएगा लेकिन लग गया भाई। इस वाली चीज़ के लिए एक शेयर तो बनता है ना भाई, कर दो यार अपने किसी दोस्त को छोड़ दो तुम्हारे साथ पबजी खेलता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लूटा पाटी तो नहीं करता, चुपचाप निकल जाता हूँ भाई जोन पे।
तो यार फिलहाल भाई इस वाले पत्थर पे मैं आ चुका था, तुम्हें पता ही होगा यार, मतलब ये एक बंदा यहाँ पे ग्रोजा चला रहा था जब मैं उस वाले बंदे को पेल रहा था, और भैया जी यही था वो ग्रोजा वाला बंदा। मैं यहाँ पे देख के कतई शौक हो गया, और तुम भी हो ही गए होंगे, भैया बल बॉट के हाथ में ग्रोजा किसने पकड़ा दी, कतई लंगूर के हाथ में अंगूर हो रखा है। तो भाई मेरे को अभी भी लग रहा था कि ये बंदा है, लेकिन ये वाला हरामी बॉट था भाई। मैं तुम्हें बाद में इसकी लूट भी बताऊंगा, बस तुम देखो। तो इसी के साथ हम प्रो बॉट को निपटा लेते हैं, क्योंकि भैया जी कतई बॉट ने ग्रोजा पकड़ रखी है, प्रो है ठीक है। तो उसके बाद इस वाले बॉट में तुम देख सकते हो लूट बिल्कुल बॉट वाली है, क्योंकि बॉट ही है यार, मुझे लग नहीं रहा था कि ये बंदा हो सकता है। तुम देख सकते हो पता नहीं कैसे इसके हाथ में ग्रोजा आ गई। तो चलो यार कोई ना, इस वाले गेम प्ले वीडियो में यही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।